नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फूड फॉर मूड्स में। आप सभी को दीपावली की अग्रिम बधाई। आज हम बनाने जा रहे हैं एक कॉम्बिनेशन जिसमें नमकीन और मीठा दोनों है, जिसे हमने नाम दिया है ट्राइफल। ये ट्राइफल कलाकंद, बूंदी और नमकीन से बना है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं बूंदी, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन और 1 कप ही पानी है, लेकिन आप पानी देख के डालेंगे। आधे कप पानी में ही इसका बैटर तैयार हो जाता है। इसका बैटर उसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से बनाइएगा, ये बहुत थिक नहीं होता है। इसे बहुत अच्छे से बीट करिए, ये काफ़ी फ्लफी होता है। और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। जितना एयर इसमें भर जाएगा बैटर में, उतनी अच्छी बूंदी बनेगी। हम इसके लिए अब चाशनी बना लेते हैं। इसमें 1 कप शुगर लिया है हमने और 1 से 1.5 कप पानी है। ये चाशनी थोड़ी स्टिकी बनेगी, जैसे गुलाब जामुन की होती है वैसे। कोरोना के टाइम पे हम मार्केट के स्वीट पे हमें एक ट्रस्ट नहीं होता कि ये सेफ है कि नहीं है, तो आप बहुत इजीएस्ट वे पे ये बूंदी घर में बना सकते हैं। चलिए अब कलाकंद बना लेते हैं। कलाकंद के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप ग्रेटेड पनीर है और इसमें हम 1 कप ही मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। 1.5 चम्मच इसमें हम घी डालते हैं और 1/2 कप इसमें शुगर है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, स्वीट ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। एंड 1/2 कप ही इसमें हम फ्रेश मिल्क डालेंगे, फुल क्रीम मिल्क रहेगी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अब हम गैस ऑन करते हैं। मैंने यहाँ पर शुगर टेस्ट किया है, हल्का स्वीट कम है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शुगर और ऐड करती हूँ। शुगर डालने के बाद ये थोड़ा लिक्विडी हो जाता है। इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए और कंसिस्टेंसी इसकी चेक करते रहिए। ये सेट होने के कंडीशन में आ जाए तो इसे ग्रीस लगे हुए ट्रे पे आप सेट कर सकते हैं। इसमें फ्लेवर के लिए अब हम इलायची डालते हैं। यहाँ पर मैंने कलाकंद जो है बहुत शॉर्ट मेथड से बनाया है। हम डायरेक्ट पनीर से बना रहे हैं, दूध फाड़ कर नहीं बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय पर ये तैयार होता है। बूंदी का बैटर तैयार हो गया है, चलिए बूंदी बनाते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल 1 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें गरम घी या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। अब हम ये बनाते हैं। हमारा जो झारा होता है, जिससे हम पूड़ियाँ तलते हैं, उससे हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चीज़ यूज़ किया है, 1 छन्नी है और 1 झारा है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और बूंदी जब आप बैटर डालते हैं झारे पे, तो वो स्मूथली, उसे हिलाना नहीं है, बस आप रखे रहिए, वो बिल्कुल छनते चली जाएगी। ट्राइफल्स के सारे एलिमेंट रेडी हो गए हैं, चलिए इन सबको असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 तरीके बताए हैं। एक छोटी छोटी कटोरियाँ हैं हमारी, हम उसमें सेट कर ले रहे हैं। पहले हम 1 लेयर कलाकंद का डालते हैं, उसके ऊपर नमकीन डालते हैं। नमकीन यहाँ पर प्लेन सॉल्टी है और इसके ऊपर हम बूंदी डालते हैं। फिर आप ड्राई फ्रूट्स एंड रोज़ पेटल से इसे डेकोरेट कर लीजिए। ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लगभग 5 से 7 दिन तक आप इसे आराम से घर में बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका है टिक्की रिंग, जो हमने आपको पहले दिखाई थी। उसमें फर्स्ट लेयर सेम रहेगी, कलाकंद, सेव और बूंदी की, एंड डेकोरेशन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे किसी भी शेप में डेकोरेट कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे त्यौहार में बहुत सारे लोग एक साथ या बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ हमें मीठा और नमकीन का मिल जाता है। और काफ़ी छोटे छोटे बोल हैं तो उन्हें कैलोरी भी, जो कैलोरी कॉन्शस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये ट्राइफल केक और कस्टर्ड का रिप्लेसमेंट है। इसमें परफेक्ट टेस्ट आया है नमकीन और मीठे का। आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू। कलाकंद बूंदी ट्राइफल बहुत मज़ेदार लग रहा है, एक तो खाने में भी, और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो कम स्वीट हम प्रिफर करते हैं उस दिन, और डिलीशियस स्वीट्स ये है, और इसमें तीनों का मज़ा आ रहा है। परफेक्ट स्वीट, थैंक यू। That was a sweet and salty recipe, and thank you Papa for the review. I hope you all like that. Do give it a try and tag us. You can follow us on Instagram and Facebook, links are down below, and don't forget to like, subscribe and share.
थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।